अब खबर है भद्रावती तहसील से, जहां ग्राम पंचायत के चुनाव में परिणाम को लेकर सभी मुख्य राजनीतिक दलों ने अपनी जीत का दावा किया। तो चलिए नजर डालते इस खबर पर। भद्रावती तहसील में बीते दिनों ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम के दौरान विविध राजनीतिक पक्षों ने ग्राम पंचायत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का दावा किया। वहीं भाजपा ने सर्वाधिक 29 ग्राम पंचायत जीतने का दावा किया है। 18 जनवरी को सुबह 10 बजे शासकीय वैद्यकीय प्रशिक्षण संस्था के इमारत में वोटों की गिनती शुरू हुई। सबसे पहले जेना इस ग्राम पंचायत की वोटों की गिनती हुई और इसका परिणाम घोषित हुआ। तत्पश्चात अन्य ग्राम पंचायतों के परिणाम घोषित हुए। दोपहर 3 बजे तक सभी परिणाम घोषित हुए। 57 में से मानवाड़ाला, कचराला, विशापुर रहे और कुकेवाड़ा माँ इस ग्राम पंचायत में निर्विरोध चयन किया गया। ग्राम पंचायत चुनाव में 29 ग्राम पंचायत पर अपना वर्चस्व निर्माण करने का दावा भाजपा ने किया और वहीं पहली बार ग्रामीण भाग के ग्राम पंचायत के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 7 ग्राम पंचायत मिलने का दावा प्रस्तुत किया और वहीं शिवसेना ने 16 ग्राम पंचायत पर अपना दावा प्रस्तुत किया। कांग्रेस ने भाजपा के जिला परिषद सदस्य मारुति गायकवाड़ के क्षेत्र में आने वाली चंदन खेड़ा तथा वाइभव ये दोनों ग्राम पंचायत भाजपा की कब्जे से ले ली। वोटों की गणना के दौरान विजयी उम्मीदवार तथा प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार के बीच अंतर बहुत कम होने से चोरा, भुनाड़, घोट, निम्बाड़ा और आस्टा के कुछ प्रभागों में एक बार फिर वोटों की गिनती की गई, मगर उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। साथ ही प्योरा में कलावती श्रीराम भावने तथा हेमलता वासुदेव भोगेकर दोनों को 65-65 वोट मिले और जिसकी वजह से ईश्वर चिट्ठी निकाली गई। इसमें कलावती भावने विजयी रही। साथ ही कुंडेगांव माल में लता विनायक दावेकर तथा रंजी ज्योति भोयर इन्हें भी 48-48 वोट मिले और जिसके बाद निकाली गई ईश्वर चिट्ठी में लता दावेकर विजयी रही। वहीं कडोली में निकाली गई ईश्वर चिट्ठी में नीलेश अश्विन मिश्रा विजयी रहे तथा उन्हें तथा उनके प्रतिस्पर्धी प्रफुल्ल महादेव पेटकर को 107-107 वोट मिले थे। यह मतगणना चुनाव अधिकारी तथा तहसीलदार महेश चित्तौड़े के मार्गदर्शन में नायब तहसीलदार तंगुलवार भांडक्कर तथा अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई और उन्हें संवर्ग विकास अधिकारी डॉक्टर मंगेश आर्यवार, उप मुख्याधिकारी जगदीश गायकवाड़ ने सहयोग किया। CTV के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि जयशेख की रिपोर्ट।